हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में, जेएसएससी ने न्यू वैकेंसीज के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाल दी है, जिसकी आज ही से यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे करने वाले हैं और किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो लेट न करिएगा और आज ही इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, बिकॉज आज से ही फॉर्म फिलअप हो चुका है स्टार्ट में। आपको अगर आपको इसका सिलेबस और कट ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होने वाला है, आपको इसका वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन करके सारी प्रोसेस। तो जेएसएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है झारखंड में। देखिए यहाँ पे तो जेएओसीई से वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ पे देखिए झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए जो है, मैंने इसकी डिटेल में वीडियो बना दी थी। आज मैं आपको बता रही हूँ इसका फॉर्म फिलअप कब होने वाला है। तो देखिए मैं आज बताती हूँ। तो देखिए आ चुके हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ जाके हम लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको वन बाई वन सारी प्रोसेस में बताऊंगी। देखिए यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का जो सेक्शन इसमें दिखाया जा रहा है, वहीं पे जाके हम लोगों को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए आप ओके कर दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ठीक है, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो प्लीज इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेना। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें कैसे प्रोसेस है। तो देखिए आ चुके हैं हम इसके फॉर्म फिलअप पेज पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सारे जो डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे जब हम लोग फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इसमें देखिए जेएसएससी की तरफ से आया है, तो यहाँ पे देखिए हमें लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लैंग्वेज पेपर जो है, जैसे कि हमारा घोटा नागपुरी हो गया, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपका बाई चांस आपका गलती हो जाता है फॉर्म को, तो आप वहां पे दूसरा मोबाइल नंबर डालकर, आप सुन रहे हो, आप दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल आईडी डालकर वहां से फिर से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे देखो मैं आपको बता दे रही हूँ, इसमें जो स्टार मार्क जो दिया रहता है वही मैंडेटरी किया गया है। तो आधार कार्ड नंबर जो है इसमें स्टार मार्क नहीं दिया गया है। आपका अगर गलती से रजिस्ट्रेशन मिस्टेक से कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इसी में आते हैं कि मैम इसका जो है फॉर्म फिलअप हम लोग करने में, रजिस्ट्रेशन करने में कुछ गलती हो गई है, तो क्या इसका हम लोग दोबारा से कर सकते हैं। तो देखिए जेएससी का जो आता है उसमें आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन जब तक आप उसका पेमेंट नहीं किए हो तब तक। तो देखिए इसका जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ये आई हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू, ये वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें आपको डिटेल में इसका जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और जैसे कोई और नोटिफिकेशन आती है मैं आपको अपडेट कराऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या तो समय या फिर ऑनलाइन reg.in पे जाके आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, डायरेक्ट इस पे आ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं। और कोई भी डाउट हो जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।